नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विक्रम शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल डेडीजी टेक्निकल में। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में रहने वाला हर एक इंसान वायरस नाम से बहुत डरता है, क्योंकि वायरस अगर आपके सिस्टम पे इंटर कर गया तो आपके सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ, क्योंकि आपके सिस्टम में बहुत सारे ऐसे पर्सनल डाटाज होते हैं या इन्फॉर्मेशन होती हैं जो चोरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, बाहरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी काम में लगे रहते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए। वैसे दोस्त, हमारी जिंदगी में भी वायरस की कोई कमी नहीं है। हाल फिलहाल आपने कोरोना वायरस के बारे में भी सुना होगा, सुना क्या होगा, महसूस किया होगा, हमारी जिंदगी में कितना नुकसान पहुंचा है ये भी आप जानते होंगे। तो उसके बाद सरकार ने क्या किया, वायरस का एंटीवायरस निकाला जो वायरस को रोकता है। वैसे ही दोस्तों, हमारे सिस्टम के लिए भी एंटीवायरस बना होता है जो कि हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है वायरस से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे एंटीवायरस के बारे में बताऊंगा जो कि बिल्कुल फ्री हैं, उसको आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने सिस्टम को वायरस से बचा सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप विंडोज़ चलाते हैं, विंडोज सिस्टम है आपका, तो आपको एंटीवायरस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विंडोज़ अपने सिस्टम पे एंटीवायरस लोड करके देता है जो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। जी हाँ, अगर आप होम यूज़र हैं, बेसिक यूज़र हैं, तो आपको बाहर से इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंटीवायरस आपके सिस्टम पर ही है, आप सर्च मारिए, आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आप ऑनलाइन कनेक्ट रहते हैं ज़्यादातर, या फिर किसी सर्वर से कनेक्टेड रहते हैं, या आप अपने सिस्टम को पब्लिक एरिया में यूज़ करते हैं, तो आपको एंटीवायरस की ज़रूरत है जो बाहर से डाउनलोड होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में मैं आपको 5 एंटीवायरस के बारे में बताऊंगा जो बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करता हूँ, सीधे मैं अपने सिस्टम पे आपको ले चलता हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अपने सिस्टम को वायरस से बचाइए। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपके लिए 5 ऐसे एंटीवायरस लेकर आया हूँ जो कि बिल्कुल ही फ्री हैं और आपके पीसी को फुल्ली सिक्योरिटी देंगे। उनमें पहला नाम है आपका अवस्था। अवस्था दोस्तों बिल्कुल फ्री है और टॉप लेवल का एंटीवायरस है। मैं भी इसको इस्तेमाल करता हूँ। यह आपके विंडोज में हो, चाहे एप्पल हो, चाहे आईओएस, या फिर आपका एंड्रॉइड मोबाइल ही क्यों ना, हर तरह के ओएस में चलता है ये। और यह टोटली फ्री है आपके वायरस को, मालवेयर से या फिर रैंसमवेयर से, हर चीज से आपके सिस्टम को सिक्योरिटी देगा, यहाँ तक कि आपके वाईफाई को भी जो है स्कैन करके रखता है ये। ये देखिए टोटली फ्री है। उसके बाद अगर आप इसमें अल्टीमेट में या फिर प्रीमियम सिक्योरिटी में जाएंगे तो आपको और सिक्योरिटी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा। फ्री वर्जन होम बेसिक के लिए और यूट्यूबर के लिए बेस्ट है, मैं इसी पर रिकमेंड करता हूँ और ये बहुत अच्छा एंटीवायरस है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों एवीजी। एवीजी एंटीवायरस भी टोटली फ्री है। इसको भी अगर आप खरीदना चाहेंगे तो यह प्राइस फ्री डाउनलोड भी इसका है। और दोस्तों ये बहुत ही आसान और थोड़ा सिंपल एंटीवायरस है। इसमें आपको वायरस से, स्पाईवेयर से, रैंसमवेयर से या फिर किसी भी तरह के मालवेयर से प्रोटेक्शन मिलती है। आपके लिंक्स को सेफ रखता है, लिंक्स को, डाउनलोड को, ईमेल को, हर तरह से सेफ रखता है और आपके पीसी के परफॉर्मेंस को रेट करता रहता है, स्कैन करता रहता है और आपको ये रियल टाइम सिक्योरिटी देता है दोस्तों। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एंटीवायरस है एवीजी। और इसके अगर आप पेड वर्जन में जाएंगे तो इसमें आपको इंटरनेट सिक्योरिटी भी कुछ मिल जाएंगी जिसकी प्राइस यहाँ लिखी है। तो अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर दोस्तों ये है बिट डिफेंडर। ये दोस्तों थोड़ा भारी एंटीवायरस है
और ये अभी फ्री वर्जन अवेलेबल है विंडोज के लिए, आईओएस के लिए और अपने एंड्रॉइड के लिए। तो दोस्तों इसमें आपको वायरस से प्रोटेक्शन मिल जाएगा, मालवेयर से प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और आपके रियल टाइम स्कैन करता है आपके सिस्टम को, और बहुत तरह के इसमें फीचर्स हैं। इसलिए यह सॉफ्टवेयर थोड़ा सा भारी है। और इसके बाद अगर आप इसके पेड वर्जन में जाएंगे तो आप जा सकते हैं, आपको 959 रुपये पे करना पड़ेगा एंटीवायरस प्लस के लिए, और टोटल सिक्योरिटी के लिए 2399 रुपये। फ्री वायरस में आपको देखिए सिर्फ विंडोज प्रोटेक्शन मिल जाएगा मालवेयर से, और सब चीज से सिक्योरिटी देता है, बाकी इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। ऑटोमेटिक अपग्रेड और फ्री ऑनलाइन सपोर्ट तो सब में मिलता है दोस्तों। मैं इसको कुछ खास रिकमेंड नहीं करता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको भी। उसके बाद चौथा है अवीरा। अवीरा एंटीवायरस दोस्तों बहुत ही अच्छा एंटीवायरस है, लाइट वेट है और टोटली फ्री एंटीवायरस है। इसमें आपको मिल जाएगा फुल प्रोटेक्शन वायरस से, मालवेयर से और रैंसमवेयर से, और यह आपके सिस्टम को रियल टाइम सिक्योरिटी देता है, स्कैन करता रहता है, लाइट है, फास्ट है, और यह आपके सिस्टम में अगर रहेगा तो आपको पता भी नहीं रहेगा, जगह बहुत कम लेता है। ये भी अच्छा एक एंटीवायरस है, लेकिन एक बेसिक लेवल के लिए, होम यूजर हैं आप तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन अगर ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके बाद आता है पांचवा नंबर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का। ये एक ऐसा एंटीवायरस है जो आपको प्री डिफॉल्ट सिस्टम पे मिलता है, इसके लिए आपको कहीं डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपके सिस्टम में रहता है। अगर गलती से आपने इसको अनइंस्टॉल कर दिया है तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। इसमें भी दोस्तों रियल टाइम आपको सिक्योरिटी मिलती है, वायरस से प्रोटेक्शन मिलता है, यह आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखेगा, लेकिन ये बहुत ही बेसिक लेवल का एंटीवायरस है जो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। मेरे ख्याल से दोस्तों सबसे अच्छा एंटीवायरस अवध और ये एवीजी है। इन दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो चाहें, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मैं फिलहाल अवध इस्तेमाल करता हूँ, मुझे अवध बहुत पसंद है, इसमें हर तरह के सिक्योरिटी मिल जाती है, कुछ खास करना नहीं पड़ता कुछ। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा जगह शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।